गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं सब लोग? तो एक नया सेशन और केबीसी का लिए, हाई लेवल फैक्ट्स का। और एक अच्छी खबर यह है कि बिग पिक्चर का सीजन 2 भी आ रहा है, तो उसकी भी तैयारी कीजिए अच्छे से। 12-13 वीक्स की कॉलिंग हो गई है और बहुत सारे ग्रुप मेंबर्स को कॉल आई है, तो सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, जाएं और ह्यूज अमाउंट जीतें। जिनको कॉल नहीं है परेशान ना होंगे, आएगी आएगी, वेट करिए, अपना टाइम आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया पाक वार के ऊपर अपना रहेगा इस बार का वीडियो, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट अभी इंडिया पाक वार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। ये है वो फोटो जो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, हमेशा आता है, बिग पिक्चर में भी काम आ सकता है, केबीसी में भी। ठीक, इंडिया पाक वॉर, जब पाकिस्तान ने सरेंडर किया था तो कौन कौन था वो तो जानना जरूरी है। फोटो दिखाकर अपन देखते हैं क्या क्या है इसमें। जनरल लेफ्टिनेंट जनरल ए के नियाजी हैं, जो कमांडर थे पाकिस्तान ईस्टर्न कमांड के, जो साइन कर रहे हैं डॉक्यूमेंट। ओके, सरेंडर का डॉक्यूमेंट साइन कर रहे हैं कहाँ पर? ढाका में या ढाका में। और जो इंडिया के हैं जो बैठे हैं लेफ्ट साइड में, वो लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, ठीक है, इंडियन ईस्टर्न कमांड के वो चीफ थे। ठीक है, और देखो जो सबसे राइट में जो चश्मे वाला बैठा है, एक व्यक्ति है राइट में जो बैठा हुआ है चश्मे वाला, सबसे राइट में स्क्रीन, काला कोट पहने, वो ऑल इंडिया रेडियो का है। तो ये पूछ सकता है ऑल इंडिया रेडियो का कौन व्यक्ति था वहां साथ, तो आएगा सुरजीत सेन। ये देखिए नाम, देखिए सुरजीत सेन। ओके, तो जो पहले रो में बैठे 3 लोग, उसमें है सुरजीत सेन सबसे राइट से, फिर बीच में जनरल ए के नियाजी, और फिर सबसे लेफ्ट में है जगजीत सिंह अरोरा। ठीक है, जगजीत सिंह अरोरा है। ओके, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ूंगा मैं। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुरजीत सेन ऑल इंडिया रेडियो के राइट में, ठीक। ओके, सेकंड रो में पीछे कौन कौन खड़े हैं, तो ये फोटो देख लीजिए, आपको मिल जाएगा गूगल में, विकिपीडिया में, उसका नाम भी लिखा हुआ है। वाइस एडमिरल एन कृष्णन है ईस्टर्न नेवल कमांड के, एयर मार्शल एससी दीवान है, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह राठौर है, मेजर जनरल JFR जैकब है, राइट लेफ्टिनेंट कृष्ण मूर्ति है। ठीक है, जैकब के शोल्डर के ऊपर जिसने हाथ रखा हुआ है वो फ्लाइट लेफ्टिनेंट कृष्ण मूर्ति है, ये ऐसे करके बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सब भी है मेन, ये दो को देखिएगा, ये लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, और जो इनके बाजू में ए के नियाजी हैं, और ऑल इंडिया रेडियो के सुरजीत सिंह। ठीक, ओके, नोट कर लिया, आगे बढ़ता हूँ मैं। कब से कब तक चला था वो भी देख लेते, 3 से 16 दिसंबर 1971 तक चला था। ओके, 1 वीक 6 दिन, लगभग 2 हफ्ते चले थे। लोकेशन क्या थी? ईस्टर्न फ्रंट, इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान का बॉर्डर। जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तो एक वेस्ट पाकिस्तान था, ईस्ट पाकिस्तान था, समझ लीजिए, है ना, या पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान, तो वही ईस्ट पाकिस्तान बना बांग्लादेश, जिसको बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी बोलते हैं। क्यों, क्या कारण से हुआ, बहुत सारे वीडियो आप देखे यूट्यूब पर, उसके अलावा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में बताऊंगा। ठीक, नोट कर लिए, आगे बढ़ते, क्या क्या हुआ था वो हम लोग थोड़ा समझते हैं इसके बाद। एक तो पहली बात है कि जो भारत की सेना थी उन्होंने लगभग 5,795 स्क्वायर मील, है ना, का जो क्षेत्र था वेस्ट में, उसको कैप्चर कर लिया था, लेकिन उसको लौटा दिया था 1972 के शिमला एग्रीमेंट में। इंसानियत के नाते उन्होंने इतना लौटा दिया था, 15,010 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र को इन्होंने कब्जा किया था भारतीय सेना ने, तो उसको फिर लौटा दिया था शिमला एग्रीमेंट 1972 में होता है, इससे ये पता चलता है 1972 शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में कौन कौन शामिल थे वो आप लोग कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत पुराना क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सारे जमीन को वो किया गया भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना द्वारा, तो फिर उसके बाद क्या किया गया, लाइन ऑफ कंट्रोल बनाया गया, न्यू LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। चीन के साथ होता है भारत का LAC, ओके, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाकिस्तान के साथ होता है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके, तो भारत पाक की सीमा रेखा है उसको क्या कहते हैं, और इंडिया चाइना की क्या रेखा को क्या कहते हैं, बाउंड्री लाइन को, दोनों के बीच के वो लाइन का कुछ नाम है किसी व्यक्तियों के नाम पर, वो लाइन क्या बोलते हैं उसको आप कमेंट्स में लिखना। ठीक है, आजकल मैं होमवर्क दे देता हूँ बीच बीच में, हर चीज नहीं बोलूंगा, आपको भी थोड़ा रिसर्च करो, पढ़ाई करो। ठीक,
भारत की तरफ कौन कौन थे, क्या क्या थे, ये हमको जानना है। भारत की तरफ, भारत बांग्लादेश की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी, अस्थायी गवर्नमेंट थी, और सोवियत यूनियन था भारत की तरफ। पाकिस्तान की तरफ देखो कौन कौन था, यूनाइटेड स्टेट्स था, यूके था, चाइना था, ईरान था, श्रीलंका था, सऊदी अरब था, ये सब पाकिस्तान की तरफ थे इस युद्ध में। ठीक है, ओके, ये भी जानना जरूरी कौन किसका साइड लिया है। तो देखो इतने सारे लोग थे पाकिस्तान की तरफ, फिर भी भारत जीत गया। ओके ठीक है, कमांडर और लीडर की बात करते, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा कंफ्यूजन होता है ना, इस युद्ध में कौन था, उस युद्ध में कौन था, तो अपन इसको देखते हुए चलते हैं। 1971 में कौन, 65 कौन, 64 कौन, जो भी हो देखेंगे। अभी फिलहाल ये देखते हैं भारत के प्रेसिडेंट कौन थे और पाकिस्तान के कौन थे पीएम प्रेसिडेंट, ये देखते हैं। वीवी गिरी भारत के थे प्रेसिडेंट, की अगर बात की जाए प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, सोरेन सिंह थे एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सोरेन सिंह थे एक्सटर्नल मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है ओके, और पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट याहिया खान, प्राइम मिनिस्टर थे नूरुल अमीन, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल एएच खान, और जो ईस्ट कमांड को लीड कर रहे थे लेफ्टिनेंट जनरल एके नियाजी, जिन्होंने सरेंडर डॉक्यूमेंट पे साइन किया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना, ले लो फोटो खींच लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, इसमें डिफेंस मिनिस्टर कौन था भारत का, जगजीवन राम। देखो एक्सटर्नल मिनिस्टर था स्वरण सिंह, स्वरण सिंह का फैक्ट भी बताऊंगा, यूनिक फैक्ट है। तो स्वरण सिंह थे एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर थे जगजीवन राम। ओके ठीक है, मैं स्पीड से करा रहा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिए, स्क्रीन पर भी है, आपको मिल भी जाएगा गूगल में, बट इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रहा हूँ। जनरल श्याम मानेकशॉ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, नेवी स्टाफ के चीफ कौन थे, मतलब ये सब आर्मी के अलावा हमको क्या नेवी और एयरफोर्स को भी जानना जरूरी है, इसमें कौन कौन से मिशन थे वो भी हम जानेंगे, क्या क्या ऑपरेशन हुए। एडमिरल नंदा थे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, और एसीएम प्रताप सी लाल, प्रताप लाल थे चीफ ऑफ एयर स्टाफ, और ईस्टर्न कमांड के हेड थे लेफ्टिनेंट जनरल जे एस अरोरा, जिन्होंने साइन किया था डॉक्यूमेंट में, जो फोटो आपने देखी है ना। और भी बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बट उतना इंपॉर्टेंट हम लोग को नहीं है, पाकिस्तान के रिलेटेड तो और कुछ नहीं है जानना अपने को, कोई खास दिक्कत नहीं है। ठीक है ओके, जो बांग्लादेश की प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी उसमें कौन कौन क्या था ये देख लो, प्रेसिडेंट कौन था शेख मुजीबुर रहमान, और प्राइम मिनिस्टर कौन था तजुद्दीन अहमद, और उनके तरफ से कर्नल या कौन मुक्ति वाहिनी का चीफ था। मुक्ति वाहिनी क्या है, मुक्ति वाहिनी, वाहिनी यानी वाहिनी ग्रुप। ठीक है, तो उनके तरफ से कौन था, कर्नल एमएजी ओस्मानी, ये पूछ सकता है, क्योंकि अभी तो केबीसी के लेवल थोड़ा बढ़ गया ना, तो ये पूछ सकता है कि बांग्लादेश की तरफ से कौन कमांडर इन चीफ, कर्नल ओस्मानी आएगा आपका, मुक्ति वाहिनी का हेड। बात की जाए कि किसके कितने सैनिक या क्या थे, तो भारतीय सेना में लगभग 8,25,000 से ऊपर थे, पाकिस्तान में 3,50,000 से ऊपर। ठीक है, मुक्ति वाहिनी में 1,80,000 थे, और पाकिस्तान की एक और ग्रुप था जिसका नाम था रजाकर। ये रजाकर ग्रुप थोड़ा बदमाश टाइप का था, इनका काम था लोगों को परेशान करना, मारना पीटना, ये सब चीज करना था, यही सब नाटक कर रहे थे ईस्ट पाकिस्तान में, इसीलिए बांग्लादेश को अलग बनाना पड़ता। तो रजाकर ग्रुप है एक अलग, जिनका काम था सिविलियन लोग को डराना, धमकाना, मारना, किडनैप करना, निपटा देना, ये सब। ठीक है, इसीलिए भारत में इंदिरा गांधी ने मदद की बांग्लादेश की, मतलब ईस्ट पाकिस्तान के, उसको नया बांग्लादेश बनाया। ठीक है, मुजीबुर रहमान से बात करके ये सब हुआ। ठीक है, और उन लोगों ने एक चीज और किया था, याद रखिएगा, जितने लोगों को एकदम भगा दिया गया वहां से, तो और जो जो मुक्ति वाहिनी सेना के जो लोग थे उनको भारतीय लोगों ने, भारतीय आर्मी ने ट्रेनिंग दी, बोले तुम अपने देश को आजाद करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी लड़ेंगे, तुम भी लड़। मुक्ति वाहिनी सेना को गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग दी। गुरिल्ला वॉर क्या होता है, छुप कर हमला करना, अचानक से हमला करना, एक साथ 50 लोग आएंगे, हमला करके भाग जाएंगे, ये होता है गुरिल्ला वॉर। ठीक है, तो ये है, अपन देख लिए कितने सैनिक क्या थे। आगे बढ़ते हैं, अभी और ये लिखा हुआ कितने लोग मरे, कैजुअलिटी लॉस, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं, कारण क्या था इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का, ईस्ट पाकिस्तान बनने का, वो इंपॉर्टेंट है। ये आपको 1 करोड़ क्वेश्चन पूछ, 6 पॉइंट मूवमेंट, 6 पॉइंट मूवमेंट क्या था ईस्ट पाकिस्तान में, शेख मुजीबुर रहमान ने चालू किया था, कि इस 6 पॉइंट मूवमेंट को 6 बिंदुओं का, ठीक है, 6 पॉइंट यानी 6 बिंदु, 6 बिंदु पे निर्धारित एक आंदोलन था। उनका कहना था कि ईस्ट पाकिस्तान को और ज्यादा फ्रीडम मिलना चाहिए, तो ये सब उनके कुछ
पॉइंट से 6 पॉइंट, और क्या 6 पॉइंट तो वो डिटेल में मत जाओ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि 6 पॉइंट मूवमेंट किससे जुड़ा हुआ था। वो जुड़ा हुआ था इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 के युद्ध के पहले, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान ने बोला था ईस्ट पाकिस्तान को और ज्यादा फ्री किया जाए, ठीक है, ओके। इसी के कारण ये देखो, इट इज कंसिडर्ड अ माइलस्टोन ऑन द रोड टू बांग्लादेश इंडिपेंडेंस। यही 6 पॉइंट मूवमेंट की वजह से ही बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रही है। जैसे भारत के लिए भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह बहुत सारे रहे हैं, तो बांग्लादेश के आजादी के पीछे 6 पॉइंट मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ, और ये शेख मुजीबुर रहमान की फोटो, ठीक है। ये लाहौर में जाके 6 पॉइंट मूवमेंट को, 6 पॉइंट को अनाउंस कर रहे थे, 5 फरवरी की फोटो, 6 बिंदु। कौन से 6 बिंदु थे वो आप लोग देख लेना, वो मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। क्या 6 बिंदुओं पे बात हुई जिसके कारण पाकिस्तान वाले डर गए या क्या हो गया, फिर रजाकर के द्वारा हमला कराया गया, फिर भारतीय सेना अंदर आई, वो सब चीज है, ठीक है। और आपको बता देता हूं कि भारतीय सेना अप्रैल मई के बाद प्लानिंग कर रही थी, लेकिन तुरंत हमला नहीं की। क्यों? कारण ये था कि हम बरसात का मौसम निकल जाने देते हैं, अगर बरसात का मौसम चलेगा तो टैंक वगैरह जा नहीं पाएंगे, कीचड़ वीचड़ रहेगा, तो ये सब प्लानिंग था। बरसात का मौसम निकल जाने दो, पूरा सूखा हो जाने दो, ठंड का मौसम आने दो। ठंड में क्या है कि उधर से चाइना या बाकी लोग हमला नहीं कर पाएंगे, तेज ठंडी हवाएं चलेंगी, बर्फ बर्फ जमा रहेगा, तो चाइना भी हमला नहीं कर पाएगा भारत के ऊपर, और भारत को एडवांटेज मिलेगा वेस्ट बंगाल या जिस तरफ से भी बांग्लादेश जाने का, ये सोचा गया था। इसीलिए इन लोग जो भी किए दिसंबर में, ये कारण था, ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ता हूं मैं। अब कौन से लीग के थे वो? अवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, ओके। तो अवामी लीग के लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। ये लिखा हुआ स्क्रीन पर। तो हुआ कि अवामी लीग काफी सारे सीट्स जीत गई थी, कुछ चुनाव हुए थे, तो इसीलिए पाकिस्तान को डर लगने लगा कि बांग्लादेशी लोग या बंगाल के लोग कुछ अपना एक अलग संविधान बना लेंगे, बंगाल का ज्यादा प्रभुत्व होगा, बंगाली भाषा पे ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद आप समझो उसके बाद क्या था, 6 पॉइंट मिशन को काउंटर करने के लिए एडमिरल एहसान मिशन चालू किया गया पाकिस्तान के द्वारा, ये भी याद रहना चाहिए, एडमिरल एहसान मिशन, ठीक है, एडमिरल एहसान मिशन, ओके, नोट कर लेना, डिटेल में कि जो जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ओके। तो एडमिरल एहसान मिशन, ठीक, ये है वो हिस्सा, ये वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान, राइट साइड में आप देख सकते हो, ठीक है। इसीलिए वेस्ट बंगाल नाम भी पड़ा है, क्योंकि भारत के देखो राइट साइड आता है अपना बंगाल, लेकिन हम उसको वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसका कारण ये है कि उस ईस्ट पाकिस्तान के या ईस्ट बांग्लादेश के लेफ्ट में पड़ता है वेस्ट बंगाल, उस कारण से ये वेस्ट बंगाल नाम शुरू से पड़ा आ रहा है, तो पड़ा ही आ रहा है, ठीक है, ओके। ये लोग कंफ्यूजन होता है ना यार, ईस्ट बंगाल बोलना चाहिए, नहीं, उसका कारण यही है, ईस्ट पाकिस्तान वाले पंडे पे चलते हैं, ठीक है। उधर से बांग्लादेश बना, बांग्लादेश का समझ लो दो हिस्सा है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट पाकिस्तान या ईस्ट बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल या वेस्ट बंगाल, ऐसे, ओके, ठीक। हाँ, अब क्या क्या हुआ,
शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया 1971 में मार्च में, ठीक है। और क्या क्या किया गया, क्या क्या बदमाशी की गई है पाकिस्तान के द्वारा, क्या क्या पाकिस्तान द्वारा बदमाशी की गई, ऑपरेशन सर्च लाइट और ऑपरेशन बरिसाल किया गया। ऑपरेशन सर्च लाइट का क्या मतलब है, खोज खोज के निपटाओ उनको, किनको, तो मुक्ति वाहिनी सेना के लोग हैं, स्टूडेंट यूनियन है, वो सबको निपटा दो, ऑपरेशन सर्च लाइट, उसके बाद ऑपरेशन बरिसाल, ताकि ईस्ट बांग्लादेश के लोग, ईस्ट पाकिस्तान के लोग डर जाएं, ठीक है। फिर क्या हुआ, पाकिस्तान आर्मी के मेजर जियाउर रहमान, उन्होंने 26 मार्च 1971 को घोषणा कर दी शेख मुजीबुर रहमान के कहने पर कि भाई बांग्लादेश आजाद हो गया। इधर आप देख लो 26 मार्च को लगभग इनको अरेस्ट किया गया और इधर पे घोषणा कर दी, ठीक। अब इसके कारण हुआ अब नया नाटक, इन लोग अपने आप से घोषणा कर दी, सब मार्च में चल रहा है। भारतीय सेना कब घुसी है पिक्चर में, दिसंबर में, कारण मैं बता चुका हूँ दिसंबर में क्यों आया, क्यों गई भारतीय सेना, उससे पहले क्यों नहीं, क्योंकि गर्मी बरसात का मौसम था, ठंड में क्या फायदा था ये सब, ठीक है, ओके। अब देखो मुक्ति वाहिनी सेना के दो हिस्से थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, एक था नियमित वाहिनी, नियमितो वाहिनी, और एक है अनियमितो वाहिनी। नियमितो वाहिनी यानी रेगुलर, ठीक है, और अनियमितो वाहिनी यानी गुरिल्ला फोर्स। किसके अंदर बनी थी, मोहम्मद अतुल गनी उस्मानी, मैंने अभी बताया था ना मेन कमांडर कौन थे, उस्मानी, कमांडर इन चीफ मुक्ति वाहिनी के। तो मुक्ति वाहिनी सेना में दो हिस्से थे, एक नियमित वाहिनी रेगुलर और एक अनियमित वाहिनी इरेगुलर, एक गुरिल्ला फोर्स वाली, गुरिल्ला वही जो छुपके हमला करते हैं, ठीक है, छुपके आते हैं अचानक से हमला करते हैं। मेन लीडर कौन था इनका, रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद अतुल गनी उस्मानी, ठीक, याद रखिएगा इसको। मुक्ति वाहिनी सेना का फ्लैग देख लो, काम आ सकता है बिग पिक्चर में या कहीं पर भी। ये एमएजी उस्मानी लिखा है, कमांडर इन चीफ मुक्ति वाहिनी सेना, ठीक है। मुक्ति वाहिनी का मतलब लिबरेशन आर्मी या फ्रीडम फाइटर भी होता है, ठीक, ओके। पहले मुक्ति वाहिनी को मुक्ति फौज भी बोला जाता था, फिर बाद में मुक्ति वाहिनी कर दिया, ठीक, ओके, चलो। और एक चीज, जैसे अभी हमने बताया मुक्ति वाहिनी दो हिस्से थे, अनियमित, नियमित वाहिनी और अनियमित वाहिनी, वैसे बांग्लादेश आर्मी ने अपने कुछ अलग अलग ग्रुप बना के रखे थे, वो क्या क्या है, के फोर्स, एस फोर्स, जेड फोर्स और बांग्लादेश नेवी। ये भी पूछ सकता है किस आर्मी में अपने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अलग अलग ग्रुप बनाया था, के फोर्स, एस फोर्स और जेड फोर्स। तो ये देखो स्क्रीन पर लिखा है, के फोर्स, एस फोर्स और जेड फोर्स बांग्लादेश आर्मी के हिस्से थे, ठीक है। ये है सरदार सोरेन सिंह, इनके नाम रिकॉर्ड है इंडिया के सबसे लंबे समय के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर रहने का, ये रिकॉर्ड नोट कर लो, ये 10 करोड़ का, 7 करोड़ क्वेश्चन हो सकता है। सरदार सोरेन सिंह जो एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जो मैंने बताया 1971 इंडिया पाक युद्ध में, तो इनके नाम है लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का। देखो मैं एक चीज से कनेक्ट करके दूसरे पे ले आया हूँ, आपको फैक्ट्स भी मिल जा रहे हैं, हाई लेवल फैक्ट्स भी, और इतिहास तो इंडिया पाक वॉर तो बहुत सुने हैं, सुने इंडिया जीता पाकिस्तान, लेकिन कौन जनरल था, कौन जनरल मिनिस्टर था, कौन डिफेंस मिनिस्टर था, वो सब पता। और बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर था, उन्हीं की सुपुत्री है मीरा कुमार, जो पहली भारत की लोकसभा स्पीकर रही है, ठीक, ओके। सरदार सोरेन सिंह लॉन्गेस्ट सर्विंग यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, ये फोटो देख लो। ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं 1974 से 1975 के बीच में, जब जगजीवन राम के बाद, ठीक है, जगजीवन राम तो इंडिया पाक युद्ध में थे ही, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीसीडेड बाय, ठीक, ओके, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और एक्सटर्नल मिनिस्टर थे 1971 युद्ध में, ओके। ये सब लिखा हुआ एक्सटर्नल, ये सब आपको मिल जाएगा, गूगल में मिल जाएगा, कोई दिक्कत बात नहीं, आराम से मिल जाएगा। एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं ये, ठीक है, ओके। ये भी पूछ सकता है सबसे ज्यादा लंबे समय तक रहे जो मिनिस्टर वो कौन कौन से पोस्ट पर रहे, तो एक्सटर्नल मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर ये भी बोल सकते हैं, ठीक। हाँ, अब देखो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने मीटिंग की सरदार सोरेन सिंह से, बाकी सब सेना के लोगों से, तो उस समय
जो चीफ थे आर्मी स्टाफ के, जन श्याम मानिक साहब, उनको बोला गया कि जाओ ईस्ट पाकिस्तान में जाओ, और 28 अप्रैल को बोला गया इंदिरा गांधी द्वारा कि जाओ वहां जाके हमला कर दो। लेकिन फिर उन्होंने डिसाइड किया, बोले नहीं 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 अभी हम हमला नहीं करेंगे, अभी वो कंडीशन ठीक नहीं हो। क्यों कंडीशन ठीक नहीं थे, मैंने बताया ना, बरसात का मौसम, कीचड़ कचड़ जो भी है, तो उसके हिसाब से लोग प्लानिंग स्ट्रेटेजी की और फिर डिसाइड की कि दिसंबर में करेंगे। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट, किसने घोषणा की थी या किसने बताया था शेख मुजीबुर रहमान का, या जो भी ब्रॉडकास्ट हुआ था ना कि बांग्लादेश आजाद हो गया है कर, 26 मार्च 1971 को इन लोग घोषणा कर दिए, लेकिन हुआ तो बाद में ही। तो स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, ये नोट कर लीजिए, स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, इससे रिलेटेड कुछ भारतीय भी थे और जो भी जीवित हैं और कुछ बांग्लादेशी भी हैं, उसका भी नाम आप लोग गूगल में सर्च कर लेना और कमेंट्स में बताना कि कौन था, या व्हाट्सएप ग्रुप पर बताना। स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र, फ्री बांग्लादेश रेडियो सेंटर, ये था वो जिसने ब्रॉडकास्ट किया था रहमान का कि आजादी हो गई है। ठीक है, रहमान बोलूंगा तो आप समझ जाना कौन रहमान। ठीक है, अभी स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र का लोकेशन कहाँ था ये हमको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कलूर घाट में था। ठीक है, कलूर घाट में ईस्ट पाकिस्तान में था ये। फिर बाद में उस बिल्डिंग को बमबारी हुई तो उसको फिर बदल दिया गया। कहाँ बदल दिया गया, कहाँ ले जाया गया, इसको ब्रॉडकास्ट हुआ त्रिपुरा से, जिसमें इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मदद की। ठीक, अच्छे से समझ लो, पहले कलूर घाट में था ईस्ट पाकिस्तान में, उस बिल्डिंग में बमबारी हुई तो उसको शिफ्ट कर दिया गया त्रिपुरा में। ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा। फिर बाद में उसको कोलकाता में वापस शिफ्ट किया गया, वापस यानी कि आगे शिफ्ट किया गया। ठीक, कलूर घाट, फिर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मदद से त्रिपुरा से इसका ब्रॉडकास्ट होने लगा, और फिर बाद में इसको कलकत्ता शिफ्ट किया गया, जहाँ बहुत सारे बांग्लादेशी रेडियो प्रोग्रामर, जर्नलिस्ट, सिंगर्स, ये सब इस पे ब्रॉडकास्ट करते थे। ठीक है, भारत में पहली बार कब इसमें ब्रॉडकास्ट हुआ, 25 मई कोलकाता में जब ये ब्रॉडकास्ट हुआ, तब उस समय काजी नजरुल इस्लाम का बर्थडे था। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी थी 25 मई को। बहुत कनेक्टेड क्वेश्चन है। अब काजी नजरुल इस्लाम कौन है ये भी हमको जानना जरूरी है। किस दिन पे ब्रॉडकास्ट हुआ भारत में, कोलकाता में, कोलकाता की बात करें, काजी नजरुल इस्लाम के बर्थडे के दिन। काजी नजरुल इस्लाम एक पोएट है, नेशनल पोएट, जिन्होंने जिन्होंने बांग्लादेश जिन्हें बांग्लादेश का नेशनल पोएट कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, देखो लिखा हुआ है 25 मई काजी नजरुल इस्लाम का बर्थडे, बांग्लादेश के नेशनल पोएट रहे हैं। पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, इंडिया, अफगानिस्तान के सब नेशनल नेशनल चीजें आप याद रखो, नेशनल पोएट, नेशनल स्पोर्ट्स, नेशनल एनिमल, ये सब पता रहना चाहिए। ठीक है, और भारत की तरफ से इस रेडियो स्टेशन में किसने कंट्रीब्यूट किया, वो थे सलील चौधरी। सलील चौधरी, देखो नाम लिखा, भारत की तरफ से कौन था, सलील चौधरी, और आकाशवाणी कोलकाता भी इसमें बहुत मदद की। ठीक, ओके, तो ये सब चलता रहा मार्च 1971 से लेकर समझ लीजिए अक्टूबर नवंबर तक ही चलता रहा। उसके बाद फिर दिसंबर में भारतीय सेना इस पिक्चर में आई है, और फिर ये एक हफ्ता 6 दिन चला लगभग युद्ध, और उसके बाद फिर आपको तो पता ही कि क्या हुआ। ठीक, ओके, चलो आगे बढ़ू मैं। सलील चौधरी है ना, ठीक है, ये देखो नाम लिखा हो, सलील चौधरी, स्क्रीन पे हाईलाइट है, सलील चौधरी, नीला नीला, ब्लू ब्लू दिख रहा है ना, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो हाईलाइट है नीला नीला। उसके बाद क्या है, ये देखो मानेक शाह ने बोला कि हम अभी मानसून के मौसम में ईस्ट पाकिस्तान में नहीं जा सकते, आर्मी टैंक अच्छे से अभी उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ, उसको करने के लिए हमें समय चाहिए। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी ने मान ली उनकी बात, फिर दिसंबर में हमला किया, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, फिर सोवियत यूनियन ने भी पाकिस्तान को वार्न किया, बोला कि भैया तुम युद्ध मत करो भारत से, तुम निपट जाओगे। पाकिस्तान बोला नहीं, हम निपटने को तैयार, हम युद्ध करेंगे। चलो भाई करो, मैं तो इंडिया के साथ हूँ, सोवियत यूनियन आ गया इंडिया के साथ। और क्या क्या चीजें हुई इस युद्ध के दौरान, देखो समझो, तीन दिसंबर को पाकिस्तानी एयरफोर्स ने क्या किया, आगरा पे हमला कर दिया। ठीक है, आगरा एयरफील्ड पे हमला कर दिया, उसके कारण क्या हुआ, ताजमहल को ऊपर से ढकना पड़ा।
ताजमहल को ऊपर से ढक दिया, उसकी फोटो भी आपको गूगल में मिलेगी। ये पूछ सकता है कि ये ताजमहल को ऊपर से ढका गया था कौन सी युद्ध के समय था, तो एक दो बार ढका गया, तो मेन इसका जो काफी फोटो फेमस है क्योंकि बहुत चमकता है ना रात में, इसलिए उसको ढका गया था। इसका नाम क्या था? ऑपरेशन चंगेज खान। जो पाकिस्तान ने हमला किया था ना अचानक से 3 दिसंबर को, पहले ही हमला कर दिया जानबूझ के कि भारत नाटक कर रहे करके, तो ऑपरेशन चंगेज खान के तहत उन्होंने हमला किया था। ये ऑपरेशन चंगेज खान कहां से कॉपी किया गया था? ये कॉपी किया गया था इसराइल ने, जो ऑपरेशन फोकस किया था जब अरब इसराइल वॉर हो रहा था ना 6 दिन का, वहां पर ऑपरेशन फोकस जो इसराइल के द्वारा स्ट्रेटेजी अपनाई गई थी, वैसी पाकिस्तान ने उसी स्ट्रेटेजी को कॉपी करके ऑपरेशन चंगेज खान किया, ठीक है, ताकि हम भारत के जो एयरफील्ड है, एयरबेस है, उस पर हमला करें और भारत को कमजोर करें। ठीक है, ओके। तो ये था, ये कहानी यहां तक समझ के पिक्चर क्लियर है। अब ऑपरेशन चंगेज खान का क्या हिसाब किताब था वो भी समझते हैं। 3 दिसंबर 1971 को ऑपरेशन चंगेज खान किया गया, कश्मीर में भी हमला किया गया। कहाँ कहाँ हमला किया गया ये पूरे लिखे हैं, अमृतसर, अंबाला, आगरा, अवंतीपुर, बीकानेर, हलवाड़ा, जोधपुर, जैसलमेर, पठानकोट, वो श्रीनगर, उतरलई, अमृतसर, फरीदकोट, ये सब जगह पर हमला किया। पूरे नाम याद मत करो आप, पूरे नाम मत याद रखे, लेकिन मोटा मोटा आप याद रखिए, ठीक है, ओके। ये ऑपरेशन चंगेज खान कहाँ कहाँ हमला हुआ है उसकी फोटो है, वो हमला जो हूँ, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, और युद्ध में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें थी ये भी समझते हैं, पूरा उसका लाइन को समझ लेते हैं, टाइम लाइन को। 3 दिसंबर को बांग्लादेश एयरफोर्स ने पाकिस्तानी ऑयल डिपो को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसके बाद 3 दिसंबर को बांग्लादेश एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया पाकिस्तान के ऑयल रिजर्वायर्स को, ऑयल डिपो को। उसके बाद 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमला किया भारत पे। फिर 3 से 6 दिसंबर चला बैटल ऑफ चंब, ठीक है, जहां पे दक्षिणी कश्मीर को छीन लिया गया भारत से। फिर 4 दिसंबर को था बैटल ऑफ लोंगेवाला, जहां पर भारत की सेना ने पाकिस्तानी सेना को रोका जैसलमेर में। बैटल ऑफ लोंगेवाला के ऊपर ही मूवी बनी है बॉर्डर, याद रखिएगा। 4 से 5 दिसंबर था बैटल ऑफ गाजीपुर, जिसमें भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी ने गाजीपुर को अपने कब्जे में ले लिया। फिर 5 दिसंबर को बैटल ऑफ बसंतर, ये सब बैटल जितने भी है ना याद रखना आप लोग, लोंगेवाला, गाजीपुर, बसंतर, किससे जुड़े हुए हैं? ये जुड़े हुए हैं इंडिया पाक युद्ध 1971 से। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको रुक के पॉज करके देख लेना। बैटल ऑफ बसंतर में फिर क्या किया गया, पाकिस्तानी जो जगह है ना जम्मू के ऑपोजिट में शकरगढ़, उस पर कंट्रोल कर लिया गया 6 दिसंबर को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 करोड़ का, सबसे पहला जिला बांग्लादेश का जिसको इंडिपेंडेंस मिला वो है जसोर डिस्ट्रिक्ट। जसोर बिकेम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इन बांग्लादेश टू गेन इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एकदम 10 करोड़ का। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट, एक तो ये कि जसोर पहला जिला बना है बांग्लादेश का जो जिसको आजादी मिली, ठीक है, जिसमें आजादी घोषित की गई, ओके, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और पहला देश जिसने बांग्लादेश को आजाद समझा या आजाद घोषित किया वो है भूटान, जिसने बोला कि हाँ ठीक है बांग्लादेश आजाद होगी, वो है भूटान। स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र बिकम द बांग्लादेश बेतार, जो स्वाधीन बांग्ला बेतार केंद्र जो मैं अभी बता रहा था आपको, वहां त्रिपुरा शिफ्ट, त्रिपुरा से कोलकाता, ठीक है, तो वो बांग्लादेश बेतार नाम से नया चालू हो गया, ठीक। तो जशोर जिला था भारत बांग्लादेश का पहला जिसे इंडिपेंडेंस मिला, और भूटान पहला देश था जिसने बोला, मतलब भारत के बाद, भारत तो बोल ही रहा था कि बांग्लादेश आजाद हो गया, लेकिन उसके बाद अगर कोई देश जिसने बोला है कि बांग्लादेश आजाद हुआ है वो है भूटान, याद रखना, ठीक है। फिर 7 से 16 दिसंबर तक चला है बैटल ऑफ सिलहट। सिलहट के युद्ध में क्या हुआ, जेसोर, सिलहट और मौली बाजार को आजाद किया गया। 8 दिसंबर को था ऑपरेशन पाइथन, भारत की तरफ से ऑपरेशन पाइथन, भारतीय नौसेना ने हमला किया कराची, वेस्ट पाकिस्तान को। फिर 9 दिसंबर को हुआ बैटल ऑफ कुश्तिया, वेस्ट बंगाल से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ हमला किया गया, ठीक है, चांदपुर और दौदकांडी को पाकिस्तान से आजादी दिलाई गई। बहुत सारे नाम है, बहुत सारे कंफ्यूजन होगा, लेकिन मेन मेन आप लोग याद रखना, ऑपरेशन पाइथन, ऑपरेशन चंगेज खान, और जयसूर जिला बांग्लादेश का जो पहला जिला जो आजाद हुआ, ठीक, ओके। ऑपरेशन पाइथन क्या था, किस लिए किया गया था, ऑपरेशन ट्राइडेंट के लिए किया गया था, फॉलो अप टू ऑपरेशन ट्राइडेंट, ठीक है, ओके।
ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत, फिर ऑपरेशन पाइथन भी किया गया था उसके बाद। ये नोट कर लिया इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। तो पहले ऑपरेशन ट्राइडेंट किया गया, उसके बाद फिर कराची के उस पे, उसके बाद फिर ऑपरेशन पाइथन किया गया। नाम याद रखिएगा, ट्राइडेंट और फिर ऑपरेशन पाइथन। ओके, ऑपरेशन पाइथन कब लॉन्च किया गया? 8 से 9 दिसंबर 1971 के बीच में, ठीक है। ऑपरेशन पाइथन में सबसे ज्यादा डैमेज किसको हुआ, नुकसान हुआ, ये भी आपको पता होना चाहिए। पीएनए डाका, ठीक है, ढाका, ठीक, ओके। इसमें कौन कौन से शिप इन्वॉल्व थे, कौन लीडर था, क्या था, ये समझ लो। भारत की तरफ से जो नेवी ऑपरेशन पाइथन था, ट्राइडेंट था, उसमें कौन था? एडमिरल नंदा थे, और उधर से थे रियर एडमिरल हसन अहमद। ये भी पता होना चाहिए, जब हम ऑपरेशन पाइथन ट्राइडेंट किए तो नेवी की तरफ से कौन था कमांडिंग चीफ, कमांडिंग ऑफिसर? तो एडमिरल एसएम नंदा और रियर एडमिरल इधर हसन अहमद, ठीक है, ओके, इसको याद रखिएगा। और बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से जहाजों का इस्तेमाल किया गया, वो भी जानना जरूरी है अपने को। ये देखो, 3 विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थी, ठीक है, INS निपट, INS निर्घट और INS वीर, ठीक है, ये याद रखना आप लोग। और कौन कौन सी विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स, ये बोट्स थी, INS निपट, INS निर्घट, INS वीर। फिर उसके अलावा और क्या क्या थी, एंटी सबमरीन क्या था, INS किल्तन और INS कचल। देखो सब नाम थोड़े से कंफ्यूजिंग कर सकते हैं, लेकिन याद रख लो, INS निपट, निर्घट और INS वीर विद्युत क्लास मिसाइल बोट्स थी। और अगर एंटी सबमरीन की बात की जाए, एंटी सबमरीन क्लास, तो INS किल्तन और INS कचल, नाम बहुत सारे हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन लिख लो, नोट कर लेना, ठीक है। और इन सब का ग्रुप का लीडर कौन था? मेन तो कमांडर में बता चुका हूं, अभी आपने यहां पर देखा नाम उनका था एसएम नंदा एडमिरल, लेकिन मेन जो इनके जो ग्रुप हेड थे, कमांडर थे बबरू भान यादव, जो 25 मिसाइल बोट स्क्वाड्रन के लीडर थे, ठीक है। ये सब चीज आपस में कनेक्टेड है, तो इसको थोड़ा सा याद रखें, कमांडर बबरू भान यादव, ठीक है। 4 से 5 दिसंबर की रात को इंडियन नेवी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची के ऊपर। उसके बाद ऑपरेशन ट्राइडेंट के बाद हमने किया था ऑपरेशन पाइथन, ठीक है, ओके। हाँ, तो अभी हम लोग यहां पर थे, 9 दिसंबर को क्या हुआ, 10 दिसंबर को क्या हुआ, ये सब यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, ओके। इसमें देखो और एक चीज एकदम इम्पोर्टेंट, देखो 10 दिसंबर को एक गड़बड़ी हो गई थी भारतीय वायुसेना के द्वारा। ये पूछ सकता है कि वैसे तो भारत बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा था, लेकिन गड़बड़ी क्या हुई थी? आप देखो कि भारतीय वायुसेना ने गलती से बांग्लादेश के 2 जहाज को डुबा दिया कन्फ्यूजन में। तो ये लक्ष्म मिशन के दौरान हुआ था, लिबरेशन ऑफ लक्ष्म में लिखा। ये भी पूछ सकता है कि किस मिशन के दौरान या किसको आजाद करने के चक्कर में गलती से भारतीय सेना ने या भारतीय वायुसेना ने बांग्लादेश जहाज को डुबा दिया था, वो है लिबरेशन लक्ष्म नाम की जगह को आजाद कर, ठीक। और आगे बात करते हैं, फिर 11 दिसंबर को क्या हुआ, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पर। 11 दिसंबर को यूएस नेवी ने कौन सी अपने जहाज वहां पर बे ऑफ बंगाल में खड़ा किया था, वो पता होना चाहिए। यूएसएस एंटरप्राइज, क्या था? यूएसएस एंटरप्राइज, याद रखना, यूएस नेवी के द्वारा बे ऑफ बंगाल में किसको किया गया था मदद, जो पाकिस्तान की मदद कर रहे थे ना, तो अमेरिका कर रहा था पाकिस्तान की मदद, तो यूएसएस एंटरप्राइज, ठीक है, ओके। फिर वैसे ही सोवियत नेवी ने क्या किया, सोवियत की नौसेना ने क्या किया, एंटरप्राइज को काउंटर करने के लिए उन्होंने अपना भी कई जहाजों का बेड़ा लगा दिया, ठीक है।
ये सब हुआ है। फिर 16 दिसंबर को बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, मतलब ये सब सारी चीजें चलती रही और पाकिस्तानी आर्मी ने फिर सरेंडर कर दिया मित्र वाहिनी को। ठीक है, मेन लीडर कौन थे भारत के? जगजीत सिंह अरोरा। ओके ठीक। और 22 दिसंबर को टोटल खत्म युद्ध, समझ लिए। युद्ध तो ऐसे 16 दिसंबर को खत्म हो गया था, बट 22 दिसंबर को प्रोविंशियल गवर्नमेंट बांग्लादेश ढाका में आई, जो छुप के बैठी थी, और फिर वो आ गई वहां पर। फिर उसके अब बांग्लादेश देश पूरी तरह बन गया, और जो भी हुआ फिर आगे का सबको पता है। ठीक है, और एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जानना जरूरी है। बहुत सारे उनके जहाज हमने तबाह किए, PNS खैबर, PNS मोफिस, PNS शाहजहान, ये सब हमने तबाह किए, लेकिन भारत का एकमात्र जहाज जो डूबा था वो है INS खुखरी। उसके बारे में मैंने आपको जब मैं दीव के टूर पे गया था तो मैंने बताया था। INS खुखरी 9 दिसंबर 1971 को INS खुखरी को डुबा दिया गया। पाकिस्तानी जहाज था हंगोर, हंगोर ने डुबाया INS खुखरी को, और ये एकमात्र जहाज था जो भारत का डूबा था। ठीक है, ओके। जब INS खुखरी डूबा उसके बाद फिर भारत ने ऑपरेशन पाइथन किया। ठीक है, तो कनेक्टेड समझो, पहले ऑपरेशन ट्राइडेंट किया, फिर INS खुखरी डूबा, और बाद में फिर INS, फिर उसके बाद ऑपरेशन पाइथन किया गया। ठीक है, ओके। तो ये सब पूरे फैक्ट्स थे जो इंडिया पाक वॉर 1971 के, फिर बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये देख लो, लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा, इंडियन आर्मी के चीफ जनरल ऑफिसर। ये फिर से वही फोटो, जगजीत सिंह अरोरा का जन्म कहाँ हुआ था? कला गुजरान में, जो पंजाब में पड़ता है, ब्रिटिश पंजाब में, यानी कि जो पंजाब पाकिस्तान में आता है। 3 मई 2005 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जगजीत सिंह अरोरा के बारे में फैक्ट आप समझ लीजिए, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो काम आ सकते हैं। एक तो वही कि वो सरेंडर के समय उन्होंने साइन किया था, और दूसरा वो अकाली दल ज्वाइन कर लिए, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं राज्यसभा के। ठीक है, आर्मी के रिटायरमेंट है तो उन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया था। ठीक, ओके। हाँ, अब लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी की बात करें तो ये इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में इन्होंने साइन किया था। ये उनकी फोटो है ना, वो जानना भी जरूरी है। फोटो देख लो, फटाक से आगे बढ़ता हूँ। कहां पर साइन किया था? अब एकदम इंपॉर्टेंट फोटो आया ना, 10 करोड़ का फैक्ट। रमना रेस कोर्स ढाका में, रमना रेस कोर्स ढाका में साइन किया गया था। यहाँ जो जहां दोनों बैठ के साइन कर रहे हैं ना, वो जगह क्या थी? रमना रेस कोर्स ढाका। ठीक है, रमना रेस कोर्स ढाका को 4:31 पे 16 दिसंबर 1971 को साइन किया गया, रमना रेस कोर्स ढाका। ठीक है, ओके, नोट कर लिया, रमना रेस कोर्स ढाका। अब ये है रमना रेस कोर्स ढाका की फोटो। ठीक है, ओके, रमना रेस कोर्स ढाका की फोटो, जिसको अभी बोला जाता है सुहावर्दी उद्यान। सुहावर्दी उद्यान ढाका बांग्लादेश में है। सुहावर्दी हुसैन शहीद सुहावर्दी के नाम पर है, सुहावर्दी उद्यान बोला जाता है। तो अब ये क्वेश्चन पूछे कहां पर इन्होंने साइन किया था, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 10 करोड़ 7 करोड़ कि सुहावर्दी उद्यान या रमना रेस कोर्स ढाका में, वहां पर इन्होंने साइन किया था। ठीक है, ये रेस कोर्स हॉर्स रेसिंग के काम आता है। ये वहां की फोटो है, एक वो है, देख सकते हो आप ये फोटोस, वहां की बाहर की फोटो। ठीक, ओके। इस युद्ध में किसको क्या क्या अवार्ड्स मिले वो भी जान लो, समझ लो। भारत की तरफ से परमवीर चक्र मिला था लैंस नायक अल्बर्ट इक्का को, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सिखों को, मेजर होशियार सिंह को, अरुण खेतरपाल को। ठीक है, इसमें देख सकते हो ये 4 लोगों को मिला, उसमें से 3 को पोस्थमेसली मिला। ये भी हो सकता है क्वेश्चन, किसको परमवीर चक्र जीवित रहते हुए मिला था? तो आपका आएगा मेजर होशियार सिंह। ये और बांग्लादेश के ये वीर श्रेष्ठ पुरस्कार मिले थे, ये सबके नाम लिखे हुए हैं, पढ़ सकते हो आप लोग। ज्यादातर को मरणोपरांत, लेकिन इसमें एकमात्र मेजर होशियार सिंह जो इनको परमवीर चक्र मिला उस समय जीवित रहते। ठीक है, बाकी को तो मरणोपरांत मिल रहे। ठीक, ओके, ठीक है, ओके। इसके ऊपर कौन कौन सी फिल्में बनी है जानना बहुत जरूरी है। 1973 की हिंदुस्तान की कसम, जिसमें ऑपरेशन कैक्टस लिली के बारे में बताया गया, ऑपरेशन कैक्टस लिली हिंदुस्तान की कसम में। ठीक है, ओके।
ये था इम्पोर्टेंट। फिर आक्रमण मूवी बनी है 1975 की, ऑपरेशन बॉर्डर बनी है, बॉर्डर मूवी बनी है। ऑपरेशन कैक्टस लिली क्या था वो आप लोग गूगल में सर्च कर लेना। बॉर्डर बनी है जेपी दत्ता के द्वारा, जो बैटर लोंगे वाला राजस्थान में थे। 16 दिसंबर बनी है मणिशंकर के द्वारा। 1917 प्रिजनर ऑफ वॉर बनी है। गाजी अटैक बनी है 2017 में। 1917 बियॉन्ड बॉर्डर 2017 की मूवी है। राजी बनी है, ये भी PNS गाजी से रिलेटेड था। ये सब मूवीज भी हैं कि किससे रिलेटेड है, इंडिया पाक वॉर 1971, ठीक है। और क्या बनी है, रोमियो अकबर वॉल्टर RAW 2019 की, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अजय देवगन वाली। शॉर्ट फिल्म भी बनी है मुक्ति नाम की, जिसमें मेजर जनरल जेफर जैकब के ऊपर कहानी है और AK नियाजी के ऊपर है। ये PNS गाजी करके एक ड्रामा बना है, PNS गाजी जो डूबा। तो ये सब मूवी सब फिल्म बनी, ठीक है। ओके, तो ये था पूरा हमारा इंडिया पाक वॉर के ऊपर, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी इंडिया पाक वॉर की। ओके, और जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन। 1952 से 1957 के बीच में क्या हुआ था? CIA ने पोलैंड में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे बलून्स छोड़े, तो उन बलून्स में क्या था, या बलून्स में क्या लगाया गया था, फुग्गों में क्या अटैच किया गया था? तो इसका आंसर आएगा जॉर्ज ऑरवेल की एनिमल फार्म नाम की जो किताब थी, उसको कई जगह पर गुब्बारे के सहारे उड़ाया जा रहा था, ठीक है, डाइवर्ट करने के लिए। एनिमल फॉर्म में बताया गया कैसे तानाशाही हो रही है, वो सब चीज बताया गया, कैसे जानवरों ने पूरे दुनिया पर, देश पे कब्जा करने की कोशिश की है, एनिमल फॉर्म बुक में बताया गया। तो ये क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कोल्ड वॉर जब हो रहा था, शीत युद्ध 1952 से 1957 के बीच में, CIA ने बहुत सारे बलून्स, बहुत सारी संख्या बलून्स यानी फुग्गे गुब्बारे, उसमें क्या अटैच किया था? तो अटैच किया था जॉर्ज ऑरवेल की बुक एनिमल फॉर्म, ठीक है। और लेटेस्ट खबर, आशा पारेख जी को 2022 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल रहा है। कौन कौन सी महिलाओं को दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिल चुका है, लिस्ट में 7-8 लोग ही हैं, वो नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी देविका रानी को मिला था, तो वैसे ही अभी लेटेस्ट 2022 का आशा पारेख, इन दोनों के बीच में और भी बहुत सारे लोग को मिला, जैसे आशा भोसले और भी लोग, वो आप नाम मुझे बताइएगा कमेंट में, ठीक। ओके चलो, तो ये फैक्ट था इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा बता देना चाहिए आपको। ये सारे फैक्ट्स मैं बता दिया हूँ। ओके, आशा पारेख 2022। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा सारा वीडियो। थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। गुड डे, बाय, टेक केयर। अब कोई भी इंडिया पाक वॉर 1971 के ऊपर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारे फैक्ट्स बता दिए ऑलमोस्ट सारे, कुछ छूटे होंगे गूगल में देख लेना, और कमेंट्स में जो जो मैंने पूछा बता देना। जल्दी जल्दी बताया हूँ ताकि ज्यादा फैक्ट कवर कर सकें, इसके बाद वाले वीडियो में और यूनिक फैक्ट्स रहेंगे। और लीडर बोर्ड की पोजिशन के लिए भी हम लोग कुछ कराएंगे, जैसे KBC के लीडर बोर्ड में आते हैं, उसके लिए भी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस करूँगा, ठीक। ओके, बाय, टेक केयर, गुड डे।